दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद। करीब तीन घंटे तक चली बैठक, बिहार में नए राजनीतिक हालात पर चर्चा। बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नया गठबंधन जनता को धोखा देने वाला। संजय जायसवाल ने कहा, हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 35 से अधिक सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी, सदन से सड़क तक पोल खोल की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य ने की बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की तारीफ, कहा यूपी में शून्य से शिखर तक पार्टी को पहुंचाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीतने का श्रेय उनके कार्यकाल में बीजेपी को मिला। गुलाम नबी आजाद ने दिया जम्मू कश्मीर की प्रचार समिति से इस्तीफा, कल शाम को ही हुई थी नियुक्ति। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य को लेकर गुलाम नबी आजाद का नई जिम्मेदारी लेने से इनकार। कांग्रेस ने विकर रसूल वाली को सौंपी राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कार्यकारी अध्यक्ष बने रमन भल्ला। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, विरोध में दाखिल की गई थी याचिका। आम आदमी पार्टी की तरफ से हलफनामा दाखिल, मुफ्त योजनाओं को बताया गया अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा। डीएमके की तरफ से भी डाली गई याचिका, कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त कहना ठीक नहीं। याचिका के मुताबिक केंद्र की तरफ से टैक्स माफी और कर्ज माफी को भी मुफ्त स्कीम के दायरे में लाने की मांग। 11 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र, आम आदमी पार्टी, याचिकाकर्ताओं और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से 7 दिन में मांगा था सुझाव। चीन का विशेष जासूसी विमान श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर, भारत ने जताया सख्त विरोध। भारत की चिंता को श्रीलंका सरकार ने किया नजरअंदाज, हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करने की दी मंजूरी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के संवेदनशील सैन्य अड्डों, न्यूक्लियर प्लांट और मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए खतरा, चीन कर सकता है जासूसी। चीन की दलील, स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप का इस्तेमाल रिसर्च के लिए। श्रीलंका की तरफ से सफाई, युआन वांग 5 ईंधन के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर आया, 22 अगस्त तक यहां रहेगा। नोएडा में सड़क पर दो बाइक सवारों के बीच झगड़ा, मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आगे देखने की सलाह देने पर भड़का आरोपी, सड़क पर दिया धक्का। सोनीपत में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ितों ने लघु सचिवालय में दिया धरना। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 917 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की गई जान, 1566 लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में संक्रमण दर 20% के करीब, एक दिन में 4700 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा, अस्पताल में भर्ती हैं 563 मरीज। देशभर में कोरोना के 8800 से ज्यादा नए मरीज, एक्टिव केस 1,11,000 से ज्यादा। ओडिशा के बडम्बा में लगातार बारिश से बड़ी मुसीबत, नदी में बहता दिखा ट्रक। निचले इलाकों पर डूबने का खतरा, नवरंगपुर, नौपाड़ा, बालंगीर जिलों में हालात ज्यादा खराब। मां भट्टारिका देवी मंदिर सैलाब से घिरा, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। रिहायशी इलाकों में भी पहुंचा सैलाब, स्कूल बाजार सब डूबे। ओडिशा के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी, हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ मुस्तैद। ओडिशा के हीराकुंड डैम की वजह से छत्तीसगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से फसल बर्बाद होने का खतरा। ओडिशा के कालाहांडी में पानी का प्रकोप, फंती नदियों का पानी बना परेशानी। कालाहांडी में हाथी नदी में बाढ़ से निचले इलाकों में डूबने का खतरा, घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी, कॉलोनियों में तालाब जैसे हालात। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के बाद कई सीट तक भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का रौद्र रूप,
तीन टंगा इलाके में पक्का घर नदी में समाया। भागलपुर में नदी किनारे बसे गांव पर संकट, अब तक कई घर नदी में गिर चुके, पलायन जारी। लाहौल स्पीति में उफान पर नदियां, खेतों में भरा पानी, फसलों को बड़ा नुकसान। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ना जारी, घाटों की सीढ़ियां और मंदिर डूबे। प्रशासन की रोक के बावजूद नाव चला रहे नाविक बिना लाइफ जैकेट के सैलानियों की जोखिम में डाल रहे जान। एमपी के 14 जिलों में बारिश से हालात बेकाबू, तीन दिन से बारिश के बाद भोपाल के कई इलाकों में सड़क पर सैलाब। सड़कों पर पानी भरने के बाद हाथों में स्कूटी ले जाते दिखे लोग, वीडियो हो रहा वायरल। स्कूलों में पानी भरने के बाद नर्मदापुरम और भोपाल समेत कई जिलों में छुट्टी का ऐलान, ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के चलते महानदी, केलो, मंड, कुरकुट नदियां उफान पर, बांधों से छोड़ा गया पानी। रायगढ़ में बारिश और बाढ़ के बाद मुख्यालय से कटे कई गांव बने टापू, कलेक्टर और एसपी ने नाव से किया मुआयना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सैलाब को पार करने की कोशिश कर रही तीन लड़कियां डूबी, दो को बचाया गया, एक की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश, मोहनपुरा डैम के 17 में से 14 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश ने कहर ढाया, पिछले दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश से नदियां उफान पर, पानी बढ़ने से आऊ, कालीसिंध, परवन, चवली नदी पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए। कालीसिंध नदी से अब तक 1,43,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा। जमीन और फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अनिल तुलसियानी गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट के बाद था फरार। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर एक परिवार को मिली सिर तन से जुदा की धमकी, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। चिरंजी लाल की मौत पर सैनी समाज ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, आंदोलन की दी धमकी। बिहार के रक्सौल में फटा सिलेंडर, एक शख्स की गई जान। कानपुर में बोतल में पेट्रोल ना मिलने पर बुलेट की टंकी खुलवाकर पहुंचा पेट्रोल पंप, वीडियो हो रहा वायरल। गुजरात के वडोदरा में एटीएस को बड़ी कामयाबी, सावली के पास एक कंपनी में करीब 200 किलो ड्रग्स बरामद। एटीएस के मुताबिक बरामद किए गए 200 किलो ड्रग्स की कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए। पठानकोट के सुजानपुर से कांग्रेस पार्षद अमित शर्मा की अवैध खनन मामले में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान के सीकर में मंदिरों और मठों के महंतों ने किया प्रदर्शन, मंदिरों की संपत्ति को भू माफियाओं से बचाने के लिए दिया ज्ञापन। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में हो रहा सुधार, मिलने वालों को रोकने के लिए लगाए गए बाउंसर। आगरा में ताज एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट की बात कहकर दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार, आखिरकार जीआरपी की गिरफ्त में आया आरोपी। पुलिस को शक, आरोपी मुकेश मानसिक रूप से कमजोर, सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान। औरैया में डीजल की पाइपलाइन में सुराख होने से गड्ढे में भरा डीजल, खुदाई कर पाइपलाइन को किया गया रिपेयर। आतंकी संगठन से सैफुल्ला का कनेक्शन जुड़ने पर आज तक ने की पड़ताल, बिहार के रक्सौल में घर पर लटका मिला ताला। जमशेदपुर में 70 एटीएम कार्ड के साथ दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, 2,00,000 कैश भी बरामद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चिमूर शहीद क्रांति दिवस पर शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। कोविल पट्टी में दर्दनाक हादसा, सीसीटीवी कैमरे में कैद, स्कूल बस के नीचे आने से छात्र की मौत। झगड़े का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में पुलिस चौकी लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, चौकी हटने के बाद बढ़ा अपराध। यूपी के मुरादाबाद में गोकशी का अपराधी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी पर था 15,000 का इनाम। हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की कचहरी के बाहर गोली मारकर हत्या, हत्यारे ने सूरजपुर कोर्ट में किया सरेंडर।